वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 11th के बच्चों के लिए 2023-24 का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है आप लोग का चल भी रहा है इस समय, और पेपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का डिस्टेंस, क्योंकि ये अर्धवार्षिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेपर 2023-24 का व्यवसाय अध्ययन के पेपर के बारे में लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो वीडियो में बिना स्किप किए आप लोग को अंत तक देखना है, ठीक है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है, ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर होता है, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार या आयात व्यापार। व्यापार हम लोग कहते हैं देशी व्यापार कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, देशी व्यापार। वह क्रिया जो लाभ कमाने के लिए की जाती है, देखिए मुख्य रूप से तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और लाभ के दृष्टिकोण से ना किया जाए, इसमें दया भाव ये सब रहता है, तो उसको हम लोग अनार्थिक क्रिया में लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न में जो कहा गया प्रश्न है उसका दूसरे का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की श्रेणी में आती है, तो ये आती है प्राथमिक उद्देश्य में आती है, किसमें, प्राथमिक श्रेणी के। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, संयुक्त दायित्व होता है, कोई दायित्व नहीं होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व होता है, क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। साझेदारी व रजिस्ट्रेशन क्या अनिवार्य है, साझेदारी व रजिस्ट्रेशन क्या अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, वैधानिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए साझेदारी का रजिस्ट्रेशन जो हो गया तो ये तो मुख्य रूप से कहा अनिवार्य नहीं होता एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है साझेदारी व रजिस्ट्रेशन, यानी किसी भी कंपनी का, किसी भी काम का रजिस्ट्रेशन जब आप लोग का, वो तो थोड़ा अनिवार्यता उसकी है कि नहीं, चीजें कभी कभी कर चीजें अगर सरकार अपने तरीके से चाहे तो उसको तरीके में चीजें होने लगती है, उसमें उस पर आपको परेशान किया जा सकता है। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्य संख्या क्या होते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है, न्यूनतम अगर देखा जाए तो यहाँ पर सदस्य संख्या जो होता है वो 7 होता है। एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम पूंजी स्वामित्व कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस होता है 51%, कितना होता है 51%, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, 51%। जीवन बीमा निगम उदाहरण है किसका, विभागीय संगठन का, सरकारी कंपनी संगठन का, सार्वजनिक उपक्रम का, उपन्यास संगठन का, तो देखिए ये हो जाता है आपको विभागीय संगठन। सरकारी नियंत्रण नहीं होता है कंपनी पर, एकाकी व्यापार पर, निगम पर, विभागीय पर, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या होता है, स्थानीय है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, या तो फिर ये सभी, तो ये सभी ही दृष्टि हम लोग ले सकते हैं उसको, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, सरकार नीति में परिवर्तन से, अच्छे प्रबंधन से, देखिए अच्छे प्रबंध बहुत जरूरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसको देखकर ही लगा देंगे आप लोग। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, देखिए व्यवसाय का उद्देश्य जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो लाभ कमाना होता है, ठीक है। जो भी व्यवसाय किया जाता है तो उसमें बाई प्रॉफिट की वगैरह चीजें होती हैं। वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कितने सदस्य होते हैं बताइए, देखिए 2-3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग होते हैं ना हिंदू परिवार व्यवसाय में देखा जाए तो, संयुक्त हिंदू परिवार में, तो इसमें देखिए कोई निश्चित फिक्स संख्या नहीं है। लाभ का बंटवारा आवश्यक नहीं है, यह संबंधित है साझेदारी हिंदू परिवार, एकल परिवार या कंपनी से। हिंदू परिवार में मुखिया होता है, कौन होता है, देखिए कर्ता को हम लोग कह सकते हैं ना, ठीक है, जो पूरे काम को देखता रहता है तो उसको हम लोग कर्ता के रूप में जानते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध एवं पर्यवेक्षण नहीं होता है कंपनी, साझेदारी, एकाकी, हिंदू परिवार। एकाकी परिवार का भविष्य भारत में क्या है बताइए, अंधकारमय, निराशाजनक, उज्ज्वल है या कोई नहीं। सरकारी नियंत्रण होता है कंपनी, एकांकी, निगम, विभागीय संगठन। जल्दी देखिए कौन कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा वो बताइए। वे सभी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से साझेदारी बनाते हैं, साझेदार हो गए, सहसाक्षी हो गए, फर्म हो गए, सहस्वामी हो गए, तो देखिए साझेदार के रूप में हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। एकाकी व्यापार में समस्त लाभ जाता है, किसको जाता है बताइए, एकाकी व्यापार में बताइए, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, साझेदारी का प्रबंध चलाया जाता है। ये भी प्रश्न देख लीजिए, 22वां 23वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है, 24वें प्रश्न को देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों का जो है फोटो स्टेट खींचकर अपने फोटो मतलब स्क्रीन शॉट मार के उसको अपने पास रख लीजिएगा ट्यूशन, और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते तो 950-690-227 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज और प्राप्त कर लीजिए इस पेपर को अपने पास, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, 30 बहुविकल्प जब हो जाते हैं तो पुनः निर्माण किसे कहते हैं, पेशे से आप क्या समझते हैं, निजी कंपनी क्या है, साझेदारी की 2 हानियां लिखिए, बहुउद्देशीय कंपनी की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न थोड़ा जी मिला गया ड्यूशंस जिसे दिया गया मिला है हम लोग को, ये पेपर देखिए थोड़ा सा हो गया, कंपनी और साझेदार में अंतर बताइए, तो ये प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार आप लोग अच्छे से। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व क्या चीजें होती हैं, तो ठीक है थोड़ा सा, ठीक है चलिए, तो ये पेपर रहा ड्यूशंस, इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।